अब आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है उसका नाम है अक्षत्रिय राजा या नॉन क्षत्रिय किंग्स। ठीक है, अक्षत्रिय राजा का मतलब क्या होता है? स्क्रीन पर आप देखेंगे लिखा हुआ अक्षत्रिय राजा यानी नॉन क्षत्रिय किंग्स, यानी जो राजा है लेकिन क्षत्रिय नहीं है, राजा है लेकिन क्षत्रिय नहीं है, राजा तो है लेकिन क्षत्रिय नहीं। अब क्यों नहीं है राजा क्षत्रिय थे? इसका टॉपिक का मीनिंग क्या है? पहले जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चों सीधा वर्ण व्यवस्था को देखते हैं हम। क्या है वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था आपको मालूम है ना, हिंदू रिलीजन में हमारे धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों में एक व्यवस्था दी गई है कि एक प्रकार से हम जो है सोसाइटी को चार भागों में बांटते हैं, जिसमें जिसको कि हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हमारा सबसे ऊपर वर्ण व्यवस्था में जो हमने रखा हुआ है, किसने रखा? ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? वर्ण व्यवस्था। ये क्या है? वर्ण सिस्टम है। वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हमारा मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? अक्षत्रिय राजा यानी राजा तो है लेकिन क्षत्रिय नहीं है, नॉन क्षत्रिय किंग्स। वर्ण सिस्टम में बच्चों धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो राजा बनेगा वो क्षत्रिय ही बनेगा। राजा कौन बनेगा? वो क्षत्रिय ही राजा बनेगा। और ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण का काम है वेदों की पढ़ाई करना, एजुकेशन देना, एजुकेशन यज्ञ सेक्रीफाइसेस वगैरह करना। वैश्य का काम है ट्रेड करना, यज्ञ वगैरह है ना करना, एजुकेशन भी ले सकता है। शूद्र का काम सिर्फ सेवा करना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री था, इतिहास था, उसमें टेक्निकली अकॉर्डिंग टू धर्म शास्त्रों के अनुसार यानी धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र, धर्म सूत्र या फिर धर्म शास्त्रों, धर्म सूत्र या धर्म शास्त्रों के अनुसार राजा बनने का राइट जो है हमेशा से किसको रहेगा? क्षत्रिय को रहेगा, यानी क्षत्रिय ही राजा बनेगा। लेकिन जब हम एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं अपने भारत के इतिहास में 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी तक का हिस्ट्री, तो हमें जो है राजा कौन मिलते हैं? हमें राजा मिलते हैं जो क्षत्रिय नहीं भी हैं, जो क्षत्रिय नहीं भी, जिनको आप राजपूत भी टेक्निकली आजकल बोल देते हो। ठीक है, तो अब जो क्षत्रिय नहीं वो भी राजा बने। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बुक में मिलेंगे कि मौर्य रूलर के बारे में लिखा रहेगा, कहा जाता है कि ये क्षत्रिय नहीं थे। कर्ण डायनेस्टी आएगी जो क्षत्रिय नहीं थे, शुंग डायनेस्टी आएगी जो क्षत्रिय नहीं थे, शक लोग आएंगे जो क्षत्रिय नहीं थे, गुप्त लोग आएंगे जो गुप्त लोग हैं, जो गुप्त जिनको गुप्त कहा जाता है ये लोग क्षत्रिय नहीं थे। सातवाहन एक रूलर से इनको कहा जाता है क्षत्रिय नहीं थे। इतने लोग जो इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में डिस्प्यूट्स हैं कि ये लोग शायद क्षत्रिय थे ही नहीं, कि कुछ में कंफर्म नहीं थे और कुछ में डाउट है। कुल मिला के क्षत्रिय नहीं होने के बावजूद भी एंशियंट हिस्ट्री में राजा बने हैं। तो अक्षत्रिय राजा का मीनिंग है इन एंशियंट हिस्ट्री देयर वॉज द नॉन क्षत्रिय पीपल हु बिकेम द किंग्स एंड अकॉर्डिंग टू धर्म शास्त्र ओनली द किंग्स ओनली द क्षत्रिय कुड बिकेम द किंग्स बट दिस रूल वॉज नॉट फॉलोड इन एंशियंट इंडिया। धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है प्राचीन समय में धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र इनके अकॉर्डिंग राजा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय को। लेकिन हिस्ट्री में क्या देखने को मिलता है? सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, उसके अलावा ब्राह्मण हो गए, इसके अलावा आपका वैश्य हो गए, इसके अलावा शूद्र हो गए, ये, और उसके अलावा कौन? आउटसाइडर्स जो तो हिंदू रिलीजन से भी नहीं आते थे वो भी राजा बने। तो उसी पर हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक की, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके पास वो है सबसे पहला आपका मौर्य, यानी कि मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्य राजवंश भी लिख सकते हैं, मौर्य लीनिएज जिसको हम कहते हैं। अब मौर्य कौन थे बच्चों? मौर्य डायनेस्टी आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य का ध्यान आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था मौर्य डायनेस्टी को। तो ऐसा कहा जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार, किसके अनुसार? बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो ये माना जाता है कि
ये क्षत्रिय थे। कौन? मौर्य क्षत्रिय। बौद्ध ग्रंथों का मानना है कि जो मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षत्रिय थे, लेकिन जो हमारे ब्राह्मण ब्राह्मण टेक्स्ट है, ब्राह्मण टेक्स्ट मतलब जो संस्कृत में लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका मानना है कि ये लोअर लीनिएज है, यानी कि ये निम्न कुल है, या इसको यूँ कह सकते हैं, निम्न कुल का मतलब लोअर किनफोक, कुल मिला के निम्न जाति का मानते हैं। मौर्य वंश के बारे में दो थ्योरी आ गई, बौद्ध ग्रंथ तो मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे, ठीक है, लेकिन संस्कृत में जो हमारे पुराण लिखे गए, संस्कृत के ब्राह्मणिक जो टेक्स्ट है, वो मानता है दे बिलोंग टू द लोअर किनफोक, लोअर लीनिएज, ठीक है, लोअर कैटेगरी, ठीक है। तो संस्कृत के ग्रंथ बोलते हैं, तो कुल मिला के अगर हम ये मान लें कि लोअर थे, कोई तो ये भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक दासी का बेटा था, दासी मतलब नंद डायनेस्टी के राजा ने बाहर निकाला अपनी दासी को, तो उससे जो बेटा पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य था, दास था, कई थ्योरीज है। तो मौर्य डायनेस्टी भी जी पहली पहली, तो कुल मिला के इस तरह टेक्निकली ये भी प्रूफ हो सकता है कि भारत में जो ये रूलर्स थे, कौन रूलर्स थे? ये मौर्य रूलर्स, ये कुल मिला के लोअर कैटेगरी वाले थे, निम्न कुल को जिनको कहा जाता है मौर्य वंश वाले थे, ये कहा जा रहा है, आपको ध्यान रखिएगा। दूसरा मेन पॉइंट आता है, और किस कुल के थे हमारे देश में, और लोग कौन थे? तो और कुल जो है हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट जिसके पास आपके पास आता है, वो है आपका शक, शक रूलर्स, शक शासकों के बारे में आपने सुना था। शक कौन थे आपको पता है? शक वो थे जो माना जाता है कि मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया से भारत आए थे, और ये इनको शक रूलर्स ने इंडिया पे जो ये पूरा आपको पार्ट बताया जा रहा है, वो जो वेस्टर्न पार्ट पे रूल किया, वास्तव में मथुरा तक भी रूल किया था, वेस्टर्न पार्ट पे मोस्टली इन्होंने रूल किया था शक रूलर्स ने इंडिया में। तो इनके बारे में ये कहा जाता है शक रूलर्स के बारे में कि जो है ये भी जो है क्षत्रिय नहीं थे, बिल्कुल क्षत्रिय तो थे ही नहीं, था आउटसाइडर थे। तो फॉरेन, ये ट्राइबल कम्युनिटी, शक कौन थे? ट्राइबल थे, ट्राइबल। और क्या थे ये लोग? और इसको और बताएं आपको टेक्निकली, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से बारबेरियन, 11th क्लास में पढ़ा होगा, हमला करने वाले जंगली टाइप के लोग थे शक, और भारत में आए और इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने यहाँ पर अपना का पूरा किंगडम स्टेब्लिश किया इंडियन के वेस्टर्न पार्ट पे। आप देखना कि कब से किस डेट से किस डेट तक इनका रूल था। तो मध्य एशिया मूल के शक थे, शक शासक भी क्षत्रिय नहीं थे और वो भी भारत में राजा बने थे। और इन शकों को क्या कहा गया है, टेक्निकली बुक में जरूर देखना, शक रूलर्स को क्या कहा जाता है? शक रूलर्स को कहा जाता है, एक वर्ड कहा गया है इनको संस्कृत के ग्रंथों में, बहुत फेमस है एक नंबर का, म्लेच्छ कहा जाता है। दूसरा इनको क्या कहा जाता है शक रूलर्स को? इनको कहा जाता है बर्बर लोग हैं, बर्बर मतलब खतरनाक टाइप के लोग हैं, आपने 11th क्लास में सुना होगा। तीसरा वर्ड जो इनके लिए यूज किया गया, बहुत सुंदर शब्द है, इसको अंतरदेशीय यानी बाहरी लोग, या इसको हम यूं कहें बाहरी लोग हैं, बाहर से आए हैं। तो कुल मिला के म्लेच्छ को तो आपने ऐसे लिखना है, म्लेच्छ, म्लेच्छ भी हैं, बारबेरियन भी हैं और आउटसाइडर्स भी हैं। तो ये कौन है? बारबेरियन है, म्लेच्छ हैं, आउटसाइडर्स हैं, कौन हैं? शक डायनेस्टी वाले लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरह से इन लोगों ने इस जमाने में अपना गजब ढाया था। क्या ढाया था? गजब ढाया था, ठीक है। अब अगले वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि शक के अलावा कौन कौन से रूलर थे जो ऐसे थे, ठीक है।